ये इस वक्त हम हैं बेतालघाट भद्रगढ़ी में, जहाँ ये ऊपर ढिनाई गौशाला है और इसके नीचे ये काफ़ी नुकीली झाड़ियाँ ऐसी जो बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, और जिससे ये पटोड़ी के जो ग्रामवासी हैं या ओजी कुलू वाले हैं, इनको काफ़ी समस्या आ रही थी नीचे ऊपर जाते समय, क्योंकि यहाँ पर इतनी कटली झाड़ियाँ होने के बाद में यहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ था। लेकिन जो मंजू तिवारी जी हैं वहाँ की क्षेत्र पंचायत सदस्य, उन्होंने कुछ महीने पहले बितालेश्वर शहर समिति अध्यक्ष जी को एक लेटर के माध्यम से सूचित किया था कि यहाँ पर अगर वो इस झाड़ी को कटा देते हैं, यहाँ पर उसका सौंदर्यकरण कर देते हैं, तो ये दोनों गांववासी जो ओजीकुलू वाले हैं और पटोड़ी ग्राम सभा वाले हैं, उन दोनों को फ़ायदा हो जाता है नीचे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि जंगली जानवरों से निजात मिल जाती है उनको। तो इसलिए राहुल लर्रा जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए आज इसको सौंदर्यकरण करके, इसको पटोड़ी पार्क करके, इसको सभी ग्रामवासियों को समर्पित कर दिया है, सभी क्षेत्रवासी और सभी ग्रामवासियों के लिए इसे समर्पित कर दिया है। आप देख सकते हैं अब कितना अच्छा हो गया यहाँ पर, जहाँ पहले पूरी नुकीली कटीली झाड़ियों से भरा हुआ था, आज यहाँ पर एक पार्क स्थल सा ये बन गया, और जिसमें पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में पर्यावरण बचाने के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर पेड़ लगाए हैं और इनकी सिंचाई भी की जा रही है, ये क्षेत्रवासियों को समर्पित है, और भविष्य में यहाँ पर पर्यावरण का एक अच्छा सुनहरा रूप देखने को मिलेगा। बेताल घाट से जो उजू कुलू को रास्ता जा रहा है, वहाँ पर राहुल अरुणा जी ने एक बहुत अच्छा पार्क बनाने को जा रहे हैं। उसमें सभी बच्चों के लिए, बेताल घाट के बच्चों के लिए, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके खेलने के लिए बड़ा अच्छा अवसर मिल जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने भी राहुल अरुणा जी से कहा कि वहाँ पर बच्चों का खेलने का एक पार्क बनाया जाए। उसमें 21 तारीख को राज्यपाल जी आ रही हैं, वो उसका उसका उद्घाटन करेंगी और उसमें उनको बहुत बहुत धन्यवाद दी जाएगी।